छात्रों के लिए 2018 में रिलीज हुई सुपरस्टार रजनीकांत और अक्षय कुमार एक मूवी 2.2 वीडियो लेकर के आया हूँ। लाइका प्रोडक्शन एंड धर्मा प्रोडक्शन, मैं इस वीडियो को हिंदी में आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। फिल्म के अंदर एक बड़ा सा ट्रक दिखाया गया जिसके अंदर काफी सारे सेलफोन भरे होते हैं और वह पलट जाता है जिससे वो सारे ही सेलफोन उधर से बाहर निकल जाते हैं। उस सीन को किस तरह शूट किया गया था आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से निकले हुए इतने सारे फोन कहाँ गए जानने के लिए फोन में एक चिप लगाते हैं, बात कर रहे हैं तभी उनका फोन कैसे हो जाता है। खैर पति का अपने फोन को एक कुछ लोगों को अपने पंजे में दबाकर ऊपर ले जाता है और फिर आप देख सकते हैं किस तरह से इसे बनाया गया है। खैर इसके बाद में वसीकरण को पक्षी राजन की लोकेशन का पता चल जाता है और वह उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां कभी पक्षी राजन रहा करता था और वह सारे सेलफोन सभी भी यहीं पर होते हैं। और जैसे ही वसीकरण अपना फोटोन सिंथेसाइजर ऑन करते हैं तुरंत ही पक्षी राजन ऊपर हमला कर देता है और यहीं पर पक्षी राजन अपनी बाप की कहानी भी सुनाता है। किसी पर हुए हमले की वजह से उसका एंटीयू खराब हो जाता है और यहाँ पर पक्षी राजन वसीकरण की कार को बहुत ज़्यादा फोटो बनाता है। यहाँ पर जो आप सीन देख रहे हैं फ्रंट एंड राइट वाला, इसे रियल इसे उतारने के लिए 2 बार रिकॉर्ड किया गया है। ये सीन में चिट्टी का जो अपग्रेड वर्जन और नीला का जो वर्जन दिखाई पड़ता है वो सारा कुछ कंट्रोल करके यहाँ की उपस्थिति है। उन्होंने कभी इंजीनियरिंग के आधार पर भी इसको डिजाइन करवाया था और फिर इसको जब 3D मॉडल में कन्वर्ट किया गया था जिसमें 13 रियलाइज किया गया थे और यह काम किया था थर्ड फ्लोर में। अक्षय का जो लुक है इस मूवी में पहला वाला, उसे किस तरह से तैयार किया जाता था आप यहाँ पर देख सकते हैं। जहाँ पर सबसे पहले तो सर को ढकना रहता था और उसके बाद में काफ़ी सारे प्रोस्थेटिक्स, डिजाइंस, अलग से विक्स, सारी चीज़ें लगानी होती थी और उसके बाद में ये लुक निकल के सामने आता था। खैर जब वसीकरण पक्षी राजन को काबू करने में सफल हो जाते हैं तब इन्हें सम्मानित किया जाता है और उसके बाद में इनकी लाइव को दिखाया जाता है जहां पर असलियत में केवल एक फ्लोर तैयार किया गया था, बाकी सारा कुछ VFX और लिडार स्कैनिंग की सहायता से बनाया गया था।
लेकिन फिल्म में आपको यह लैब 3 फ्लोर की दिखाई देगी। और जब वसीकरण का ही एक विरोधी पक्षी राजन को आजाद कर देता है, तब पक्षी राजन सीधा वसीकरण के घर पर आ जाता है और वसीकरण के ऊपर हावी हो जाता है। और फिर पक्षी राजन और किट्टी की लड़ाई होते हुए हमें पब्लिक प्लेस पर देखते हैं, जहाँ पर पक्षी राजन किट्टी को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। और यहीं पर अक्षय पाजी का दूसरा रूप यानी पक्षी वाला रूप दिखाई पड़ता है। इसके लिए अक्षय पाजी के लिए एक स्पेशल कॉस्ट्यूम बनाई गई थी जो कि काफी हद तक पक्षियों से मिलती थी। हालांकि अक्षय पाजी को इस ड्रेस को धारण करने के लिए अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन इस कॉस्ट्यूम को पहनने के बाद में अक्षय पाजी का एक नया सा ही लुक निकल के सामने आता है। इस फिल्म को देखने के बाद में जितना आसान लगता है कि बन गई होगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस फिल्म को रियल 3D में शूट किया गया था। जनरली क्या होता है कि फिल्मों को 2D में शूट किया जाता है और उनको 3D में प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इसके साथ में ऐसा नहीं है। इसे लेटेस्ट 3D कैमराज की मदद से शूट किया गया था और इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी करी है नीरज शाह जी ने। और इस फिल्म को बनाने में टोटल 5 करोड़ 70 लाखों का खर्चा आया था। फिल्म में दिखाया गया बेसिक साइज प्रेजेंटर को वर्चुअल कैमरे की मदद से डिफरेंट कैमरा एंगल दिए गए। यहाँ पर आप यूज जो रियल कैमरा कर रहे हो उसके अंदर जो काम वर्चुअल कैमरे की तरह से करता है। चिट्ठी के जाने के बाद में चिट्ठी टूबल छोटी बिजली होती है, बल्कि हरे कपड़े पहने हुए दो बंदे उसको लेफ्ट राइट करवाते हैं। इस 2.2 मूवी की 3D शूटिंग के बारे में रजनीकांत सर बताते हैं कि यह पहला 3D शॉट था जो कि उन्होंने छोटी स्क्रीन पर देखा था 3D में। इस फिल्म का क्लाइमैक्स दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें स्टेडियम का काफी सारा पार्ट है और थोड़ा सा पार्ट एक मैच का रिकॉर्ड किया गया है। और यहीं पर क्लाइमैक्स में दिखाए गए काफी सारे रिकॉर्ड किए गए हैं। यह फिल्म उस समय का है जब पक्षी स्टेडियम के सारे दरवाजे मोबाइल से बंद कर देता है और स्टेडियम में हर तरफ जाती है। खैर बगदर के साथ ही रही सभी यानी कि चिट्ठी 2.0 की भी एंट्री हो जाती है और वह एक ऑक्टोपस कैमरे पर लटकते हुए पहुंच जाते हैं पक्षी के पास में। और यहाँ पर पक्षी और चिट्ठी 2.0 का अच्छा खासा कन्वर्सेशन होता है और तभी चिट्ठी दूरी चलाता है वर्चुअल तरीके से अपनी उंगलियाँ दिखा के जो कि फिल्म में भी इस तरह से दिखेगी। यह पक्षी वाली पक्षी का रूप धारण करता है, जब चिट्ठी एक हिस्टोरिकल रूप ले लेता है और काफी सारी गोलियां चलाने लगता है। और इस वाले सीन को स्टेडियम में रिकॉर्ड न करके बाहर एक स्टेडियम जैसा सेट बना करके रिकॉर्ड किया गया है। चिट्टी जब अपना मैग्नेटिक मोड ऑन करता है तो कुछ गाड़ियां आकर के उसके शरीर में लग जाती हैं और उन्हीं में से एक व्यक्ति कूदता है जिसे कुछ इस तरह से कुदाया गया था उस गाड़ी से। इस फिल्म में अक्षय पाजी के ऊपर पंख आने और उनके ट्रांसफॉर्म होने वाला जो सीन है उसे कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया जाता था। इस फिल्म के लिए लगभग 1000 VFX आर्टिस्ट ने मिलकर के VFX बनाए हैं, जिनको सुपरवाइज किया है S. श्रीनिवास मोहन जी ने। और इस फिल्म की अब तक की IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ